आप जो तस्वीर में मूर्ति देख रहे हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ये वही प्रधानमंत्री है जिसे देश के बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। आज इन्हीं चाचा नेहरू का जन्मदिवस है। आज के दिन ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चिल्ड्रन पार्क में एकत्रित हुए थे, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिस मूर्ति पर उन्होंने पुष्प चढ़ाए वह मूर्ति पूरी तरह से खंडित पड़ी थी। मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मौसम की मार मूर्ति सह नहीं पाई है और नगर परिषद द्वारा रख रखाव की कमी के कारण ये मूर्ति जगह जगह से खंडित हो गई है। लेकिन हद तो ये है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता इस मूर्ति पर फूल चढ़ा रहे थे उन्होंने भी इस बारे में कोई गौर नहीं किया और ना ही इसे मुरम्मत करवाने की जरूरत समझी। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि यह पार्क नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए वह उनका दायित्व बनता है कि मूर्ति की मुरम्मत करवाते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की मूर्ति पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है जिसके चलते उन्हें देश और प्रदेश की जनता को शर्मसार होना पड़ता है। यही नहीं, जो सैलानी यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए भी ये मूर्ति हास्य का कारण बन रही है। चाचा नेहरू के 129 जयंती के लिए एकत्रित हुए थे और ये देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नेहरू की जो प्रतिमा है वो पूरी तरह से खंडित पड़ी है और MC वसे दावा करती है कि हम बहुत अच्छा हमने चिल्ड्रन पार्क जचा दिया है, लेकिन आप यहाँ मूर्तियों के हालत देखें, यहाँ की लाइटों के हालत देखें, बाहर से आने वाले सैलानी भी इन मूर्तियों को देख के यहाँ हंसी का कारण ये मूर्तियाँ बन चुकी है। मेरा म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और पदाधिकारियों से ये निवेदन है कि जो खंडित मूर्ति है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की, इसे तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। हम सभी की भावनाएं इससे आहत हो रही है। जितने सैलानी आते हैं और हमारे जितने पदाधिकारी यहाँ आज या एकत्रित हुए हैं सभी की भावनाएं आहत हुई है इस मूर्ति को देख करके और इस चिल्ड्रन पार्क की दुर्दशा को देख करके। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मूर्ति काफी पुरानी हो चुकी है और ये मौसम की मार सह नहीं पा रही है, इसीलिए वो जल्द ही इस मूर्ति को बदलने का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं और जल्द ही इस मूर्ति को बदल दिया जाएगा। ये ठीक है कि चिल्ड्रन पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति स्थापित की गई है। इसको स्थापित किए हुए 25 से 30 वर्ष हो गए हैं। इस पर सर्दी का, गर्मी का, बरसात का असर पड़ता है और ये सड़क के साथ होने की वजह से इसमें धूल मिट्टी भी लगती रहती है, जिससे ये काफ़ी पुरानी पड़ गई है और इसमें समय समय पर इसकी रिपेयर की जाती है, इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है और अब समय आ गया है कि इस मूर्ति को वहाँ से बदला जाए और इसके बारे में विचार किया जाएगा।